गजाननम् भूतगणाधिसेवितम् कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतम् शोकविनाशकारणम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। मायाकुण्डलनिक्रिया मधुमति कालिकलामालिनी मातङ्गी विजया जया भगवती देवी शिवा सम्भवी शक्ति शङ्करवल्लभा त्रिनयना त्वद्वाहिनी भैरवी ह्रीङ्कारी त्रिपुरा पुरा परमयी माता कुमारेश्वरी प्रातःकाले कुमारी कुसुम कुम कुमा जप्यमाला जपन्ती मध्याह्ने प्रौढरूपा विलसितवदना चारुनेत्रा विशाला सायाह्ने वृद्धरूपा गलितकुचयुगा रुण्ढमाला वहन्ती सा देवी दिव्यदेवी त्रिभुवनजननी सुन्दरी त्वां नमामि। जय जय मा जय जय मा बोलो जय जय मा 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 जय
प्रत्यक्ष उपस्थिति में आपके अगणित संतानों से एक तुच्छ संतान अपना रिक्त चले मां आपकी सेवा में प्रस्तुत है, स्वीकार करें भगवती। हरिद्वार के आश्रम में एक बार भागवत कथा संपन्न हुई। ये भागवत कथा के उद्घाटन के लिए हमारे गुरु भगवान पूज्यपाद श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज, अभी अभी बोला तो गलती नहीं करेंगे, हमारे गुरु ब्रह्म, अभी बोला गुरु को भगवान मत बोलो नीचे दिखाते हो, हमारे गुरु ब्रह्म पूज्यपाद श्रीमद स्वामी चिदानंद जी महाराज का आगमन हुआ। मगर शरीर कुछ ठीक नहीं रहा, माँ उद्घाटन में नहीं आई, न पुराने शिव मंदिर में सामने ऊपर बैठे रहे, और नया आश्रम में भागवत कथा के उद्घाटन के पश्चात हम लोग माँ के पास गए। ब्रिगेडियर लक्ष्मी नारायण सबरवाल हैं, पूज्य गुरु भगवान हैं, हम भी रहे, महाराज के एक और शिष्य, चारों रहे। माँ बड़े प्रसन्न रहे, बहुत प्रसन्न, बाबा 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 बाबा, इतनी प्रसन्न रही, फिर अपने ही मुख से सुनाने लगी भाव में, भावातीत अवस्था में, बाबा बाबा सब ठीक तो है, रास्ता में कुछ ये गंडगोल तो नहीं हो गया? हाँ नहीं, सब ठीक है। वो एक दिन ऐसा हो गया,
ये शरीर का ख्याल निमिष में पुराण पुरुषोत्तम का मंदिर बनाना, ये ख्याल रहा। पूछा इसको, पूछा उसको, पूछा बाबा सबको पूछा, कोई नहीं बताता कथा कहाँ हुई, कोई भी नहीं बताता कथा कहाँ हुई। अब देखिए ऐसा तय हो गया। हाँ ये पारुदा बोल दिए, ये हमारा ये सब लोग बोले माँ संजम वहां करेंगे, ठीक है। ये शरीर भी हाँ कह दिया, संजम वही करेंगे। संजम होने का पहले बाबा इतनी वृष्टि हो गई, इतनी वृष्टि हो गई, ये गोमती है पूरा निमिष को डुबा गई। बाबा एक जगह में ऐसा हो गया निमिष में पानी नहीं पहुंचा, बस वही जगह बता हो गया, पुराण पुरुष वहीं बैठेंगे। मतलब जल बहुत है, बहुत ज्यादा है। ये भास्कर गए, ओ गवर्नर साहब, आपका गवर्नर साहब, आपका आपका गवर्नर साहब, वो क्या बोले, माँ को बोलो ये संजम यहां करेंगे। माँ क्या बोली, ये देखो देखो ये सरकारी लोग सरकारी ढंग से सोचते, रे संजम करना है निमिष में, गवर्नर का कोठी में कैसे होगा। भास्कर गए, कैसे जाएंगे कैसे जाएंगे सोच रहे थे, उदास जा रहा था, एक बड़ा ग्लास में जल लेकर के पूरा, ए आए आए, उदास को बुला दिया। उदास बोलने से काफी लोगों को पता नहीं, बोलने से माँ का सेवा में रही उदास माता जी, वही उदास है। हाँ जैसे नाम यथा नाम तथा गुण है, हाँ पहले उदास है, उदास जाते ए आए आए, वो पूरा जल भरती ग्लास था। बाबा ये शरीर तो ये हाथ से कुछ खाता पीता नहीं, वो ऐसा करके पानी पी गया। बाबा ये शरीर यहां पर ग्लास खाली वहां गोमती खाली, बाबा वो गए ईंटा के ऊपर पांव रख के चलना पड़ता है। बड़े बड़े गवर्नर लोग आ गए, बड़े बड़े मंत्री लोग आ गए, बड़े बड़े साधक सिद्ध आ गए, महात्मा लोग, ईंटा में चलना पड़ेगा, ईंटा में चलना पड़ेगा। बाबा ऐसा हो गया, बाबा ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। अच्छा बाबा नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण, हाँ जाएंगे अपने से बोले जाएंगे। हम लोग जब हरिद्वार छोड़ के ऋषिकेश जाएंगे, आजकल जो वहां पुल है खड़खड़ी के आगे वो नहीं था, वो कॉजवे था, वो जमीन से खाली 3-3.5 फीट ऊपर, उसके ऊपर में 4 फीट पानी जा रहा था। इधर सब लोग ये लाइन में खड़ा है, इधर कोई आने वाले के लिए खाली रखा है, कोई आएगा तो लोग बताए 2 घंटे से खड़े हैं इतना पानी में, किसी ने एक दो ने जाने की हिम्मत की तो बह भी गया है। हमारे गुरु महाराज बोले हैं ओ जी सबरवाल साहब, वो माँ ने क्या बोला, ये बोला ना ये शरीर पानी पी गया, उधर गोमती में जल उतर गया, बस ये आप अपना चोंगा को बाहर निकालो, इधर पूरा लाइन है, इधर पूरा खाली है, चोंगा गाले। गुरु महाराज बोले जय माँ, वो बाकी सारे जो टैक्सी वाले हैं अपने टैक्सियों से जमीन में उतर के खड़े हैं, वो बहुत गाली भी दी, बोले मरेगा, 2-4 आगे पीछे गाली बोले मरेगा। हमने सुना है भागवत जी की कथा में पढ़ा है कि जब वासुदेव जी महाराज हैं कृष्ण को अपने शरीर में धारण करके, मस्तक पर परमात्मा को धारण करके गए यमुना जी में, मार्ग हो गया था, ऐसे ही हमारे गुरु महाराज ने कहा ओ जी सबरवाल जी बोलो जय माँ, बोले जय माँ, वो आर्मी का अधिकारी है, ऐसे गया जैसे कुछ भी नहीं हुआ है, पानी के बीच में से निकल गए। वहां बहुत जरूरी मीटिंग थी, वो सब मीटिंग के पर भागवत जी के पूर्णावती में भी आए, जब आए तो माँ पहले बोल दिया बाबा वो दिन कुछ तकलीफ तो नहीं हुआ था ना। अभी आज पूज्य अशोक बाबा जी कथा में बोल रहे थे, भगवान श्री कृष्ण के बारे में बोल रहे थे,
कि ये पूर्ण चैतन्य है। क्या बोले? रोम रोम में चैतन्य है, ऐसा बोला था। ये शरीर मां के उस शरीर को, जिसको हम कहते हैं शरीर, को 65 से देखते रहे और मां के महासमाधि उन्हीं के शरीर के प्राण के 2 घंटा पहले तक भी देखा है। शाम को आए, हम लोग बैठे थे मां के पास में, मां बात भी किए थे, ऐसा ही 6 बजे और 8:10 के पहले मां ये शरीर छोड़ के चला गए। पृथ्वी पर तो है, अभी है, क्योंकि हमने मां को कभी शरीर में देखा नहीं है। पूर्ण ब्रह्म नारायण जो कहते हैं, वो पूर्ण ब्रह्म शुद्ध नारायण, उसमें कुछ भी अशुद्ध नहीं है। क्या कहते हैं? ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वधि साक्षीभूतम एकम नित्यम विमलम अचलम। ये मां है जो एक है, निर्मला तो नाम था ही था, चरित्र भी निर्मल है। एकम नित्यम विमलम अचलम, मां को आना जाना नहीं, क्योंकि एक बार मां जो है वो हरिद्वार के आश्रम में, जहाँ ऑफिस है, ऑफिस के ऊपर कमरा, इधर से लोबी में जाओ तो लास्ट कमरा, तो वहां रही मां। हम हरिद्वार कुछ भी काम पे आए तो मां के पास में जाने का अभ्यास था, वो वजह से छोटे बच्चे दौड़ के जाते ऐसे ही जाते थे। कभी भी हमको ऐसा नहीं लगा कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिके जगत जननी जगदम्बा राजराजेश्वरी रही माँ, उसमें कोई शंका नहीं, रहनी है, किंतु फिर भी हम हमेशा बच्चों के जैसे अभी भी ऐसे याद है। वो माँ हमेशा कहती है बाबा को ये शरीर का नमो नारायण नमो नारायण बोलना। बोले बाबा तो बहामास में, एक दो दिन के बाद फिर आए, बाबा को ये शरीर का नमो नारायण। माँ बाबा तो अभी अमेरिका चले गए। माँ एकदम से बोली अभी बाबा को आना जाना है, ऐसे बोल दिए। जब बाबा को आना जाना नहीं है तो माँ को आना जाना कैसे हो जाएंगे? खग की भाषा खग ही जाने, ये बहुत जरूरी बात है। क्योंकि राम तीर्थ आश्रम में जब श्री श्री माँ का जन्मोत्सव प्राकट्योत्सव हुआ तो वहां ब्रिगेडियर सबरवाल भी रहे, महाराज जी भी रहे, हम भी रहे। ओ माँ को बस समाधि अवस्था में नहीं लाए, लाकर के उनको लेटा दिए, और फिर वो जो महाराज जी जैसे पूजा करते हैं, बहुत पूजा करके 40-50 साड़ी उनके ऊपर डाल देंगे और कई 2-4 मण इतना फूल गुलाब डाल देंगे, पद्म माला डालेंगे, क्या क्या डालेंगे डालेंगे। माँ इसे ब्रिगेडियर सबरवाल साहब ने कहा कि हमारे गुरुदेव को, ये स्वामी जी आज तो माँ इतनी गहन समाधि में आई, और आने के साथ जब उनको लेटाया गया तो वो देहातीत अवस्था में समाधि में चली गई। हमारे गुरु महाराज बोले नहीं, शी टुक ए हेल ऑफ ए टाइम टू रीच इन दैट। बताओ, बोले बहुत समय के बाद में वो उस समाधि के अंदर में चली गई थी। अभी वो माँ उधर है, स्वामी जी इधर है, कौन बोलते हैं? इसलिए माँ स्वयं ही कहती थी, हमारे आश्रम में अरुणा जी भाई वो डॉक्टर ही MD, मगर वो माँ के साथ बहुत ठट्ठा कर, क्योंकि उनके माता पिता माँ के बहुत भक्त थे, आश्रम की ब्रह्मचारिणी भी रही वो, तो इसलिए माँ के पास में ठट्ठा भी करती थी। माँ हमेशा बोलेंगे बाबा 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 माँ माँ माँ, तो बोलते थे। वो अरुणा माता जी ने पूछ लिया, माँ आप बाबा बाबा बोलते हो तो ये बाबा और माँ में बड़ा कौन है? एक क्षण भी नहीं बिता है। माँ बोले BA MA एक होता है, ऐसा बोल दिए। ये क्या माँ है, अपने अपने ख्याल में रहती है। हाँ, हम लोग के आश्रम में 3 महात्मा है, एक तो कृष्णानंद स्वामी जी वो ज्ञान में है, और हमारे भक्ति वाले तो स्वामी माधवानंद जी महाराज रहे। तो माँ बोलती थी ये शिवानंद आश्रम में बाबा माधवानंद भक्ति लाइन में है, और बाबा कृष्णानंद ज्ञान लाइन में है,
और बाबा चिदानंद एयरलाइंस में है, वो ऐसे, वो बड़ा विनोद में, विनोद में वो ऐसे है। ओ क्या बोलते हैं, अभीष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणे वच निर्ममो निरहंकार समह दुख स्वक्षमि संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मई अर्पित। ये हमारे एक साधक एक गुण है, वो जो सर्व सिद्ध, हाँ सर्व संपन्न, सर्व सिद्धमयी भगवती जगत जननी, वो इन तमाम से परे। क्योंकि ये जब जहाँ अभी समाधि मंदिर है वहाँ पहले एक पीपड़ का पेड़ था, और जो ये हमारा क्या है यज्ञशाला है, वहाँ माँ को बैठा करके ये माँ के तिथि पूजा के पहले उत्सव वहाँ होता था, हाँ वहाँ होता था। ये आशीष महाराज आते थे इतना सब टोकरी लेकर के, 50 टोकरी पल लेकर के, तो उधर माँ के चारों ओर सब जो ब्रह्मचारिणी है, चुना मना है ऐसे बोलती रहती थी, चुना मना है ऐसे बोलती रहती थी। तो कोई अंग्रेज बच्चा आ गया, आ गया तो चुना मना है, माँ बोलती कम 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 कम, इतना प्यार से उसका गुलाब लिया। फिर माँ उसको बोली थैंक यू, वो इतना बच्चा खुश होके चला गया। और ये जो घटना घटी है तो सारे अंग्रेज लोग देखना गड़बड़ करने देख रहे, ए यू सिट डाउन, ऐसा भी फिर माँ बोलती। माँ को हमने अपने ऐसी अवस्था में देखा है, वो भावातीत है, गुणातीत है, वो एक तत्व है, चैतन्यमय, केवल चैतन्य, जागृत चैतन्य। क्योंकि ये शरीर जब ब्रह्मचर्य अवस्था में पीला कपड़ा रहे सिखाते, हमारे गुरु महाराज हमसे कहे, एक पेरिस की ब्यूटी क्वीन ऑफ पेरिस रही मैडम सिमोनिता कोलोना दशरो, वो फैशन डिजाइनर भी रही। स्वामी जी ने कहा जाओ इनको माँ का दर्शन के लिए लेके जाओ। और अष्टमी दुर्गा पूजा की बघाटा हाउस में रहा, खड़खड़ी में वहाँ पर, तो स्वामी जी ने बोला था डोंट ट्राई टू पुश योर सेल्फ, हाँ द पूजा इज हैपनिंग बी ए लॉन्ग डिस्टेंस, इन केस इफ पॉसिबल गार्लैंड ऑन माय बिहाफ, ओके। बहुत सुंदर फूल के माला हम लोग सुभाष ब्रिज से लेके आए थे, दो माला रहे, बहुत खड़े रहे हमने। वो एक बड़ा एक बैरोकेट है यहाँ पीछे, तो दुर्गा जी की मूर्ति है, माँ यहाँ पर बैठी हुई हैं, और सुंदर मुकुट किरट है, बहुत सुंदर बड़ा साड़ी है, पद्म कमल के बहुत माला है, माँ ऐसे भाव समाधि, वो शरीर में से परम तत्व में, हम लोग दूर खड़े। ऐसा होगा कोई 1200-1500 के काफी ऊपर इतने लोग थे। हठात से माँ उठी है, उठ करके जो बैरिकेड है उसमें उधर दरवाजा है, माँ यहाँ बैठी है, दुर्गा यहाँ है, उधर दरवाजे के पास में दीदी बैठे, दीदी वो उधर से एकदम बाहर निकले हमारे पास में आकर के, बाबा बाबा क्यों खड़े हैं, ये शरीर का पांव दर्द करता है। हम खड़े उल्टे, ये शरीर का पांव दर्द करता है, हमारा हाथ पकड़ के माँ लेके गई। जब लेने गए तो साथ जो ब्रह्मचारी लोग थे, अरे ब्रह्मचारी भीतरे जाते, ओके गंगा जल दाओ, गंगा जल दाओ। तो दीदी क्या बोल रही है, गंगा नीचे नीचे जाते आबार गंगा जल केनो दरकार, हाँ वो कहती है इनके जो पूजा के अंदर जो जाएगा उसको गंगा जल तो छिड़के तभी तो अंदर जाएगा ना, फूल फल जो कुछ भी है। तो कहते हैं कि वो ब्रह्मचारी भीतर जा रहा है भाई, उसको गंगा जल दो। दीदी ने बोल दिया वो गंगा स्वयं जब लेके जा रही है गंगा जल, ये एक अलग अवस्था है, क्योंकि दीदी है उनके शिष्य माँ के सेवा में बचपन से रही है, बचपन से रही, और जो बचपन से रही इसलिए वो दीदी ने जो अनुभूत किया वो एक एक असाधारण अनुभूति थी। हाँ न भूतो न भविष्यति, ऐसा न हुआ है न होगा, क्योंकि नहीं तो ये माँ का प्रादुर्भाव है, वो जैसे हम अपने गृहस्थियों के यहाँ जैसे बच्चा जन्म लेता है ऐसे माँ का जन्म नहीं हुआ है, वो प्रकट ही हुई है रसोई में। सवेरे कोई 3 बजे उनकी कोई दादी चाची कोई रही
उठी, देखा कि रसोई घर में एक बालक खिलखिल करके हंस रहा है। तो बाद में जो पूछा भी गया था माँ को, तो ये आप उस समय क्यों हंस रही थी, बोले मकान में छोटा छोटा छेद थे ना, तो ऊपर से डाली वहीं हिलती थी, तो चंद्रमा की किरणें कभी आती है कभी नहीं आती है, उसको देख करके शरीर हंस रहा था। ये ऐसी जो अवस्था है, हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग हर साल यहाँ आ जाते हैं, तो रिचार्जेबल बैटरी टू एग्जिस्ट इन द कॉन्शियसनेस ऑफ दैट सुप्रीम ब्लेसेडनेस, जो परम चैतन्यमयी है, उसमें अपनी चेतना को जोड़ने के लिए हम लोग जो आते हैं, बड़ा सौभाग्य है। आते रहना, फिर भी बोलता हूँ आते रहना, तीसरी बार भी बोलता हूँ आते रहना, क्योंकि शिशी माँ की ही एक बात है, बोल के पूरा कर देंगे। माँ ने ही कहा, बाबा जो सांप और नेवला है दोनों का बहुत लड़ाई होता है, लड़ाई होने में नेवला में तो विष कम है, सांप में तो ज्यादा है, मगर फिर भी नेवला जीतता है। बाबा क्यों पता है, वो लड़ते लड़ते जब नेवला थक जाता है, कोई वनस्पति को सूंघ के आता है, वो सूंघ करके आ गया, फिर नया स्फूर्ति से नया ताजगी से फिर युद्ध करता है, लड़ाई करता है, फिर थक जाएगा, फिर जाके सूंघ लेगा, बस। वो सांप का तो एक ही शक्ति, धीरे धीरे सांप तो क्षीण हो जाएगा, नेवला जीत गया। ये संसार बड़ा सर्प है, हम लोग सब नेवले हैं, इसलिए ये पूरा क्या होते हैं, साल भर में जब हमने संसार सबसे लड़ते लड़ते थक जाएंगे, 31 जनवरी से 7 फरवरी तक यहाँ आना चाहिए, और हमारे दीपावली के बाद में सप्तमी से पूर्णिमा तक माँ का आश्रम में जाना चाहिए। मैं लोभी हूँ, कोशिश करता हूँ, मगर क्या करूँ, संस्था में हूँ, ऐसे करके रहता हूँ, फिर भी मौका पड़ने से आ जाता हूँ। क्यों? क्योंकि माँ से कभी विमुख नहीं रह सकते, माँ एक है, हम लोग सब शून्य हैं, माँ है तो हम हैं, प्रत्येक सांस में इन ईच ब्रेथ माँ को ही अंदर आते जाते अनुभूति करो, यू विल फाइंड ए न्यू एनर्जी, द बीम्स एंड विगर, द विजिलेंस एंड डिलिजेंस, द लाइट एंड पावर, द इटर्निटी एंड डिविनिटी, नथिंग विल बी लैकिंग इन यू, बिकॉज देन यू विल बी नॉट देयर, माँ विल बी फंक्शनिंग थ्रू यू। जय माँ, ओम शांति। Mm-hmm.